नमस्कार। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन स्लीप इश्यूज और मेनोपॉज के बारे में। इन द फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाई डू दी स्लीप इश्यूज अकर एंड हाउ कॉमन दे आर। इन दिस आई विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ दी स्लीप इश्यूज। जो इंसोम्निया है, जो पुअर स्लीप है, एक सिम्टम है, एक लक्षण है। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट इफ वी थिंक और कंसिडर इंसोम्निया एज अ सिम्टम, जस्ट लाइक फीवर, वी मस्ट ट्राई एंड फाइंड द कॉज। तो अगर किसी को बुखार है तो अपने आप कुछ समय तक जरूर क्रोसिन ले सकते हैं, कुछ पैरासिटामोल ले सकते हैं, पर उसके बाद तो आप तय करेंगे ना भी कारण क्या है। ऐसे ही इंसोम्निया है, तो नींद ना आना एक सिम्टम है, उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। बिकॉज इलाज जब करेंगे तो कारण का इलाज करेंगे, ना कि सिर्फ नींद को इम्प्रूव करने का। तो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज? कुछ कॉमन कॉजेज ये हैं कि मेनोपॉज में जो बॉडी में चेंजेस बताएं, उसमें हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, रात को पसीना आना, ये सब नींद को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके फिर हम जो ट्रीटमेंट है बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर ये एक मेजर कारण है तो इस कारण को अपनी लिस्ट में ऊपर रखिए। सेकेंड इज, क्या खराटे आते हैं, स्नोरिंग? हो सकता है स्नोरिंग बहुत माइल्ड थी, बट वी डू नो पोस्ट मेनोपॉज में वुमेन में ये जो स्नोरिंग है, ये खराटे हैं, ये बढ़ जाते हैं। क्यों? कुछ तो वजन बढ़ जाता है, कुछ ईस्ट्रोजन की कमी होती है, कुछ टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो इसके कारण से स्नोरिंग कैन इंक्रीज। एंड स्नोरिंग के साथ फिर रात को मुंह में ड्राइनेस होती है, बार बार पानी पीना पड़ता है, एंड हैव टू गो फ्रीक्वेंटली टू विजिट द वॉशरूम। थर्ड इज कि आपके टांगों में कोई बेचैनी, कोई अनइजीनेस, घबराहट महसूस होता है शाम को या रात को जब आप बिस्तर में जाएं, लगता है कि मेरी टांगें दबाता चला जाए या मैं अपने आप हिलाती चली जाऊँ। कई लोग चलते रहते हैं, मेरे पास कुछ लेडीज आई जो सारी सारी रात चल रही हैं। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दफ़ा ये सब नहीं बताते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। तो ज़रूर अपनी पूरी सिम्टम्स को अपने आप असेस करके और इसके लिए हेल्प लीजिए। कुछ ऐसी हादसा हुआ हो, कुछ हो सकता है कुछ साल पहले हुआ हो, जो मन में अभी भी रह गया हो, सम इमोशनल थिंग्स विच इम्पैक्टेड यू, सम पर्सनल रिलेटेड, सम वर्क रिलेटेड, ये भी सब हमारी नींद को ख़राब कर सकती हैं। और एक जब हम देखते हैं इन मरीजों को, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना खुद ही एक 24 आवर्स का एक चार्ट सा बनाइए कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने पूरे दिन में आप कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, कितना समय वाकई में बिस्तर में बिताते हैं। क्योंकि कई लोग दिन भर लेटे रहते हैं, सोचते हैं कि शायद नींद आ जाएगी, शायद नींद आ जाएगी। तो जब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये नींद के लिए कितना हानिकारक है। कितने बजे रात को बिस्तर में जाते हैं, कितने बजे टीवी देखते हैं, और कितनी देर तक रात की नींद कितने घंटे है, और कितना कब एक्सरसाइज करते हैं, कब कोई वॉकिंग करते हैं, कब कोई मेडिटेशन करते हैं। तो इसमें ये डॉक्टर को भी बहुत हेल्प करता है, आपको भी बहुत हेल्प करता है। तो मेरा एक ऐसा ही एक और वीडियो है जिसको हमने स्लीप डायरी बोल रखा है, तो अगर आप वो भरेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ पे कुछ गलत कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कारण क्या है इंसोम्निया का। इंसोम्निया एक सिम्टम है, उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि हम उस कारण का इलाज करें। थैंक यू।